क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है प्रूव दैट इफ कोर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंस सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। हमें प्रूव करना है कि कोर्ड्स जो हैं कॉन्ग्रेंस सर्कल की वो इक्वल एंगल्स बनाती हैं सेंटर पर, देन द कोर्ड्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि जो कोर्ड्स होंगी इक्वल होंगी। तो मान लेते हैं कि भाई ये सर्कल है और ये सर्कल है, ये दोनों सर्कल क्या हैं, कॉन्ग्रेंस सर्कल हैं। अगर सर्कल कॉन्ग्रेंस है तो इनके रेडियस भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस। तो गिवन में क्या लिख देंगे हम, इनके रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश सी इक्वल्स टू ओ डैश डी। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश सी इक्वल्स टू ओ डैश डी। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंस सर्किल। कॉन्ग्रेंस सर्किल के जो रेडियस होते हैं वो होते हैं इक्वल। और क्या इक्वल दे रखा है हमें, कि ये इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी भी हमारा होगा इक्वल। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों दे रखे हैं हमें इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी। टू प्रूव में आप लिख सकते हो ए बी इक्वल्स टू सी डी, मतलब ये कोर्ड्स जो हमें ये इक्वल प्रूव करनी है। तो इन ट्राइंगल प्रूफ पर आते हैं, तो इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ ए ओ सी के इक्वल होगा ओ डैश सी के, ठीक है। ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी, एंड इसी तरह से ओ बी और ओ डैश डी भी इक्वल होगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी। और एक चीज और हमें गिवन दे रखी है, एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल और सी ओ डी ये वाला एंगल। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी भी हमारे होंगे इक्वल, ठीक है। तो ये है हमारे रेडियस, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस, और ये है हमें गिवन। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ये हो गए हमारे कॉन्ग्रेंस। कौन से रूल से होते हैं ये, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अगर दोनों कॉन्ग्रेंस हैं तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये कोर्ड्स जो हैं ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमें करना था प्रूफ।